भाई गाना तो एक अपने आ रहे हैं, अभी दो तीन ट्रैक आ रहे हैं बढ़िया। मतलब मैं तो खुद तो गाता नहीं, एज अ फीमेल, फीमेल कह रहा हूँ, एज अ फीमेल लीड में जाती हूँ, एज अ फीमेल लीड में जा रहा हूँ। एलिश भाई ने सोचे हमारे एक एक्टर कम ना कर दे भाई, एक चक्कर मार के एलिश भाई ने भी सोचे कि कर रहे थे अपने काम के बारे में, वो एक आखिरी सफर, हाँ एक आखिरी सफर भाई। तो ना मैं थोड़े रोड के कच्चे में खड़ा था, गाड़ी आती है भाई बहुत तेज और मेरी तरफ सीधी, और पास आके एकदम जैसे मैं तो साइड में कूद गया और उसने कट मार दिया, मैं थोड़ा गिर सा गया था। एलिश भाई फोन पे बात मिलाने की कोशिश कर रहे, एकदम नीचे देखा, एलिश भाई ने कही ये गलत करा भाई इनने, मतलब मैं कहा भाई कोई बात ना छोड़ है, क्योंकि इनका ना वो कहने का तरीका अलग था, गलत करा भाई इनने। अरे मैं कहा भाई ये क्या बात हुई, मैंने कही मैं कहा नॉर्मल छोड़ दो ना भाई, होंगे कोई है तो भाई इसके दिमाग पर चढ़ गई है ना कि ना गलत करा इन्हें। और भाई रोड पे कोई भी ना आने जाने वाला, तो दो फैन से आ रखे थे कि भाई फोटो, एलिश भाई ने कही फोटो कराऊंगा, बाइक चाहिए तुम्हारी है, मैं भाई क्या होगा उनकी बाइक लेके चला छोड़ो, और भाई उनकी बाइक ले ली और फिर पार, और मेरे पे पीछे बीमर की बाइक, मतलब और सुनो तो सही, देखो भाई सिचुएशन कैसी, एलिश बाइक लेके भग गए अकेला, वो तो पहले ही चली गई, मां का भाई ये क्या ही हो गया, मैं इनके पास फोन करूं, मां का बहन चो कहां जल्दी आओ है, और भाई जल्दी एक एक करके गए, वो कम से कम 6-7 किलोमीटर का लंबा सफर होगा भाई, अलीस भाई वे हो रखे पूरे पीछे गाड़ी वाड़ी ला रहे, जैन स्टील वैन स्टील चल रही है, और सारी गाड़ी भगती आवे, सारी गाड़ी भगती आवे भाई, मैंने बोला मैं भी गाड़ी में बैठ गया भाई, मुझे भी ना ले गए अकेले ही भग गए, मैं कह यार पता नहीं क्या ही हो गया एकदम, मैं अकेला छोड़ दिया भाई, फिर वहां जाके भाई वो आगे घेर लिए भाई ने। अब भाई बता दो भाई ऐसी कैसी छो चढ़ी तुझे, बाइक दे साथ चले गए, तुमने गलत चीज करी थी, ऊपर से उन्होंने दारू पी रखी थी, गोनी गोनी छुकमुल, हाँ वे जानते थे, अरे एलिविस भाई हम तो तेरे फैन, हम तो तेरे भाई हैं यार, तू ऐसा करेगा, एक ने ना पी रखी थी, एक ने कम पी रखी थी, एक ने पूरी पी रखी थी, तो अब उसके क्या ही मारा है, मगर चलो इसको ले जाओ भाई ऐसे ही, पर पकड़ लिया था उनको आगे, हाँ पकड़ लिया, नाकाबंदी कर दी, बहुत कैडी भगाई है, मतलब वो तो क्योंकि आगे निकल गए थे, बहुत पहले निकल गए थे, हम पे व्हीकल ही ना था। एलिश भाई ने सोचे हमारे एक एक्टर कम ना कर दे भाई, एक चक्कर मार के एलिश भाई ने भी सोची होगी कहीं अगर मार देते तो कम हो जाता एक और कम हो जाता क्या होता, एलिश भाई ने फिर नू सोच के पीछे लगा, फिर नू सोच के खुश हो जाता, चलो शूट तो खत्म हुई। भाई डीजी भाई आप मुझे वो बताओ यार, जैसे आप कॉल सेंटर में थे, बहुत सारे फेक कॉल सेंटर भी रहे जो स्कैम वैम से करें, और तो मुझे आप बता रहे थे स्कैम वैम और डार्क वेब में आपका काफी आपने देखा है और चीजें देखी, आपको पता है, तो कुछ बताओ यार क्या स्कैम चलते थे, और आप गानों में भी जो आप बीती है वही डालते हो, तो कुछ यार स्कैम तो क्या, मतलब गुड़गांव में भी देखो तो अगर 50-60% जो कॉल सेंटर सारे स्कैम ही हैं, और ग्रेजुएट वाले जाते हैं कंपनी वगैरह में, तो हमने भी एक बार घुस गए थे, मतलब चाह के नहीं गए थे, किसी किसी कंसल्टेंसी वाले ने भेज दिया था, फिर पता चला वहाँ पे ऐसे, फिर छोड़ दिया था। तो क्या देखा वहाँ, क्या चल क्या स्कैम करते हैं ये यार, एक एक दिन में लोग 2-2, 3-3 करोड़ ऐसे निकाल रहे हैं बैंकों से, भाई मिलियन, ये मिलियन, ऐसे बंदे होते हैं इनको बहुत तगड़ी इंग्लिश बोलनी आते हैं ना, मतलब अपने भी कुछ दोस्त के दोस्त है, वो बता रहा था मेरे को एक बारी कि इंग्लिश है उसका नाम, अपना यही बता रहा था अपने आपको फ्लिंस्टोन नाम रख रखा उसने अपना, और वो कोई जेम्स सकता है कोई कुछ, स्पीकिंग फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, जेम्स ही था, पूरी इंग्लिश में बात बात करें और उनके क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का नंबर ले लेते हैं फिरंगियों के, ये सब होता है, मतलब भाई मेरा तो ये मानना है जैसे इस काम में किसी का पैसा खोसना चोरी है, ले तो किसी की बद्दुआ रहे हैं, सही बात है, क्या फायदा उसको, बाद में तो गाली देगा बंदा। डीजी भाई आपके घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है, इतनी बदमाशी के गाने होते हैं तो घर वाले तो कहते होंगे तूने कराए या मतलब उनका क्या रिएक्शन रहता है? अब तो कुछ नहीं कहते घर वाले, पहले तो बहुत ही सुनाते थे, धमकाते थे, बात नहीं करते छोड़ थे दे म्यूजिक, हाँ मतलब ये जनता पसंद कर रही है तो घर वालों को भी अब कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले तो बहुत सुनाते थे, बट अपना ये है कि भाई ये आ रहा था अंदर से, वो ही गाया है, वो ही सब चीज़ देखा है ना कॉलेज से अभी तक बैठे ऐसे लड़कों में थे। भाई गानों से मुझे पूछना है, दोनों भाई 32 बोर गाने में भी, और आप लास्ट टाइम बता के गए थे, और उसका जो हमने फोटोज वोटोज देखी है वो भी बड़ी खतरनाक लग रही है, हम तो वेट कर रहे हैं भाई कब आएगा गाना वो वाला, इतने हैवी सारे बॉडी बिल्डर लोग, आज रिलीज होना था, अच्छा टीजर रिलीज होना था, मैंने दिखाया था वो टीजर, सांप भी है उसमें तो, सांप पता नहीं, बड़ा खतरनाक वीडियो है, व्लॉग्स भी बहुत, उसका म्यूजिक बहुत तगड़ा लग रहा है जो वो रिलीज किया था तुमने, जो कुछ सेकंड का था जो डाला था फैजल बुरिया भाई ने डाला था टीजर,
गाना तो भाई। क्या सीन है उसके शूटिंग है कुछ मजेदार किस्से हैं जब तुम्हें भी बॉडी बिल्डरों के बीच बलियान पहन के कुछ बलियान की स्टोरी तो है एक बहुत तगड़ी यार वो सबने वो सैंडो बनियान पहन रखी थी जेल का शॉट है तो मैं यार आलू भाई बैठे वैनिटी में मैं कहा भाई यार ये बनियान पहनाएंगे यार ये हम तो बहुत बनियान मगर हम तो अच्छे ना लग रहे मगर यार इसे चेंज करो क्या लगा जैसे आपने बनियान बनियान पहन के देखी थी फिर ये था कि पहनूंगा ही नहीं पहले तो उन्होंने वो कर लिया कन्विंस कर दिया कि यार कुछ ना लगा ये वो हम ये चलो देखते हैं वैनिटी में पहन के वैनिटी पहन रही अब एक दूसरे को देख कसरे मैं मैं भाई शर्ट भगा लो ऊपर से ये नहीं कुछ हो जाए ये नहीं पहनेंगे या तो वीडियो से बाहर है या फिर ऊपर से कुछ भाई कह रहे सही तो लग रही है मेरा भाई आपने बॉडी बढ़ा रखी है तो उसमें आपका वर्स है और गाना पूरा उन्होंने गाया है या आपका इक्वल इक्वल पार्ट्स है क्या सीन है उस गाने में वो मैंने लिखा हुआ है अच्छा। गाया भाई ने पूरा अच्छा। कंपोज किया है बेसिकली ओके तो एज अ लिरिसिस्ट आपका गाना है और एज मॉडल्स आप हो ही उसमें मॉडल क्या वो ये साथ के भाईचारा भाईचारा ऑन टॉप और भी लोग हैं यतिंदर भाई भी हैं यतिंदर सिंह वो भी हैं गाने में अच्छा राहुल भाई फाजिलपुरिया है और अपना ये डीजी भाई है और मैं हूँ और कौन कौन है दुनिया भर के भाई हैं भाई और भाई यार भी हैं लोकल भी काफी भाई हैं वहाँ के गुड़गांव के बहुत हैं पिछले वाले पॉडकास्ट में एक बड़ी ही मतलब उस पार्ट की रील इतनी वायरल हुई है जो हमने तेरे साथ किया था 24 साल के बाद हाँ। भाई वो यार क्या बढ़िया लाइन बोल के गया है तू मतलब लोगों को दिल पे चोट मारी है लोगों के हाँ। प्यार पे थोड़ी चर्चा हो जाए मैं ये कहना चाह रहा हूँ पब्लिक नु कहेगा बूढ़ा हो लिया भाई उम्र के साथ आई जाती है मैच्योरिटी और जो तुम भाई फेम झेल रहे हो ना ये झेलना अपने आप में बहुत कुछ सिखा देता है उसके बाद लड़कियों के कुछ आए होंगे नहीं मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ मैं कुछ हुआ तो उसके बाद कुछ डीएम देखो मैसेज तो मैं खोल के देखता नहीं भाई बंदी हो गया यार उनकी डीपी देखता हूँ वो भी नहीं देखता तो अब क्या इरादा है शादी वादी का क्या चल रहा है कब हो रहा है सीधा ही पूछ लेते हैं ना तो क्योंकि पिछली बार इसने कहा था कि हाँ पिताजी रिश्ता लेकर आए हैं लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा कुछ बात आगे नहीं बढ़ रही नहीं भाई उसके बाद हम सर बहुत लिस्ट आई होगी रिश्तों की कनाडा से चल रहा है भाई का रिश्ता एक ये भाई झूठ बोल रहा मैं बताता हूँ सच क्या बात है देखो रिश्ते आ रहे हैं नो डाउट आ रहे हैं अभी भी आ रहे हैं एक डॉक्टर का रिश्ता आया था अभी कितने दिन पहले आया था कितने दिन पहले आया था भाई एम्स की डॉक्टर है मतलब एडमिशन हुआ उसका अभी एम्स में बाड़ा गया वैसे तो वो भी सही थी दहेज तो क्या ही लेना यार दबा के लो तुम लो दबा के भगवान की दया तो है सारी चीज जो होनी चाहिए घर में तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार जैसे सपोज किसी ने गाड़ी दी दहेज में गाड़ी आ गई क्या मजा है चलाने का नहीं वाला ऐसा लगा यार दूसरे की चीज चला रहे हैं खुद खरीद के चला लो तो और उस पर पीछे लिखा रहेगा ससुराल से सहायता प्राप्त ना ना भगवान ने सही दे रखा है जो होना चाहिए घर की जगह घर है गाड़ी की जगह गाड़ी है तो दहेज तो लूंगा नहीं मैं बाकी रिश्ते विश्ते आ रहे हैं भाई जो पसंद आएगी तब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा एक साल में शादी हो जाएगी कटारिया की टाइम है यूथ के लिए कोई एक दो लाइन जैसे पिछली बार बोली थी कि 18 से 24 साल के लड़कियों के चक्कर ये वाली चीज कोई नई लाइन भाई नया सोच के तो नहीं आया बट हाँ ये चीज है कि देखो सब पे भरोसा मत करो आसपास के लोगों पे मतलब एक होता है ना आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं हम लोगों पे कि भाई दो अच्छी बात क्या कर ली इसने कि हमारा अच्छा ही सोचेगा बट ऐसा हमेशा नहीं होता मैंने भाई खूब देखे हैं अपने बंदे जो खूब साथ में रह के स्कैम कर गए कुछ कर गए और भरोसा कर लिया हमने जल्दी कि चलो हमारे साथ बैठता उठता है सेम बातें करता है और अपने राज मत खोलो भाई किसी के आगे मेन चीज़ समझ जल्दी से कि अपने बंदे हैं भाई चलो इसको ये वाली बात बता दी वो वाली बात बता दी फिर वो बाद में ना मिसयूज़ करते हैं उस चीज़ को तो इस चीज से बचना बाकी लड़कियों से तो बची रहे हो तुम बच रहे हैं वो तो अप्लाई है ही ऑटोमेटिकली जो वो तो डिफॉल्ट सेटिंग है अब उसकी बात हो जाए जरा जो पीली परी जो तुमने ली है नई पीली परी उसकी क्या फीलिंग थी पोर्श की नई गाड़ी की और भाई हम लोग ले रहे थे इसका तुमने वीआईपी नंबर भी लिया एक और वो कितने का पड़ा वो भी बताना और जब घर वालों को बताया कि इतने की पड़ रही है तो उन्होंने उसका क्या बोला वो भी बताओ मैं पहले ले रहा था मस्टैंग
कि यूके भाई मेरे को बोलेगा कि मस्टैंग ले लो भाई, मस्टैंग तगड़ी गाड़ी है। तो फिर मैंने मस्टैंग निकलवाई कि भाई कौन कौन सी है, किसी में कोई दिक्कत निकली, किसी में कोई दिक्कत निकली। तो ये हो रहा था कि मस्टैंग ना अब सब लोग ले रहे, गेमर्स भी मस्टैंग ले रहे हैं, कॉमन हो रही है, कॉमन, हाँ कॉमन हो रही है मस्टैंग, कंटेंट ही नहीं था मतलब उसमें। तो मैं कहा यार इसे भाई हमें के तो रिकवर नहीं होंगे, ऑनेस्ट रिव्यू दो तो हम इसलिए तो लेते ना कि हमारा कंटेंट है और ये हमें पैसा कमा के देगा वापस। तो अगर जो चीज ऑलरेडी मार्केट में है उसको और दिखाएंगे तो उस पर उतने व्यूज नहीं आएंगे और पब्लिक भी क्यों देखेगी उसको, उन्होंने देख तो रखा पहले ही। और वो अंदर से यार उतनी खास भी नहीं लगी, बस वो आवाज आवाज करती है और भक्ति तो क्या ही पहुंचते अंदर से, तो वो जैन ही है, जैन एसटी। अबे कुछ तो इज्जत रख ले भाई, इतनी महंगी गाड़ी है कम लोग ले पाते हैं। भाई मस्टैंग वाले कमेंट कर दो क्या कह रहा है जरा इसके बारे में। उसके उसके अंदर फीचर्स कम है, मतलब पोर्श में भी नहीं है फीचर्स, बट पोर्श कन्वर्टेबल हो गई थोड़ी दिखने में, क्यूट हो गई, सुंदर हो गई। रात को जो मजे आते हैं ना खोल के भगाओ, और किसी पे थी नहीं व्लॉगर पे ना, पोर्श नहीं थी तो मैंने कहा चलो इसके व्यूज ग्रैब कर लेते हैं इसको लेके। तब आई थी, अब जैसे चलती है रोड पे तो भाई तगड़ी लगती है, मजा आता है, फीलिंग बड़ी आती है, घर वालों को पसंद आई। अंकल ने क्या कहा शुरू में, तो लोग नीचे है कि भाई ये ओके लिया है, हम ऐसा लगा धरती में बैठे हो। तो मैं कहा भाई यो ये स्पोर्ट्स कार ऊंची कौन सी आवे धरती में, मैं यो ये अब तो फिर खुश हो जाऊं मैं देख के गांव में ना किसी पे गाड़ी वाली। तो मैंने कहा भाई गांव में चलो छोरा ले आया, फीलिंग प्राउड इंडियन। टेंशन भी तो रहती होगी पूरे टाइम, कोई साला स्क्रैच ना मार दे इस पे कोई कुछ भाई, बंदे डोली कूद कूद चढ़ जाते फोटो लेने के लिए, जैसे फोटो भी खिंचवा रहा है ज्यादा टेक ली उसने तो लग जाता होगा कोई भी जानने वाला ही हो ना। ऐसे नहीं है चलाने देता हूं वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे प्लॉट में खड़ी करता हूं मैं उसको तो उसके लिए ताला वाला मार के कि कोई बड़ा ना जाए अंदर, बंदे तब भी फोटो लेने के लिए उसके साथ ऊपर से कूद कूद के आ जाते हैं। अच्छा एक दिन हमने पकड़ लिए तो फिर वही था, बच्चे थे बच्चों को क्या ही कहे भाई, गाड़ी है तो निराली एकदम अलग है, साली अलग ही दिखती है, अलग है। और नंबर नंबर 222 है भाई उसका, वो तो 950,000 रुपए का नंबर है। अच्छा उसका हम ये करे, हाँ 50,000 का नंबर है भाई, क्या करें गाड़ी नॉर्मल चला मैं उस पर रेड लाइट पर खड़ी हुआ है तो खोल दे मैं। खोल दे और जो साइड में बैठ रहा है उस तरह कहते इधर उधर मत देख, हर आदमी देखता गाड़ी को, चाहे जो जैसे सपोज मेरे को जानता है वो तो देखेगा ही, जो नी भी जानता ना वो भी देखता कि ये क्या चीज चल रही है अलग सी पीले कलर की। अबे भाई हमने भी खुद वो एज अ टॉय कार देखी है, तो भाई वो खड़ी होगी सामने तो आ रहा कलर भी बहुत अट्रैक्टिव है, पेंसिल से ड्रॉ कर दी किसी ने ना, गाड़ी बड़ी प्यारी है। हम कहीं क्लब क्लब जाना हो तो वहाँ ले गए में दे दी, भाई कौन सी गाड़ी में आ रहे बंदे ऊपर से खुलने वाली, तो वो थोड़ी सी आवाज उस चीज की। तो क्लब में तो कर देती होंगी लड़कियां ऐसे गाड़ी के पास खड़ा है तू अप्रोच, क्योंकि लड़कियां देख कर देती है अक्सर गाड़ियां देख के अप्रोच। भाई लड़की वड़की की फिर बात कर रहे हो तुम यार, हाँ भाई छोरी की बात करो, खिरोध रहा हूँ मैं इसको, ये जान मुझे बता एक छोरी की बात करो, लड़की की बात करो भाई चलो। लास्ट टाइम ही तो कह रहा था क्या यार तुम छोरी वोरी की बात करो, हाँ भाई छोरी की बात करो, हाँ भाई करो छोरी की बात, यही है भाई कर देती होंगी ना अप्रोच। अप्रोच भाई मैं पहली बात तो अकेला नहीं चल पाता भाई, मैं बताता हूँ सीन क्या होता है वहाँ, उसमें दो सीट है लड़की के लिए जगह ही नहीं है, एक पे रखा होता है पैसा एक पे ये। ओ कुछ नहीं भाई, इनमें शर्त लगी रहा कौन बैठेगा उसमें साइड वाली सीट पे, तो जो इनमें और डीप जीता है वो बैठ जा, और ये ना बैठने दे किसी ने अभी, फिर चाहे छोरी आ जाओ कितनी। अच्छा यहाँ तो जब पिछली गाड़ी में बैठ जा, आवे कब है पर आवे भी ना, पहली बात तो छोरी भी ना आवे, गाड़ी में बैठ जा कहते लग रहा रोज आवे। चलो भाई बहुत सारी बातें हो गई और ऐसा लग रहा है ये तो दो पार्ट में डलेगा पॉडकास्ट, क्योंकि इतनी सारी बातें हो गई। तो भाई अब जाते जाते मैं सबके फ्यूचर प्लान जानना चाहूँगा, स्टार्टिंग विद डीजी भाई, क्या आने वाला है आगे? आगे यार अभी वीडियो शूट करी थी एक 50 तोड़ा की और बैड बॉयज़ की, और अभी शूट हो चुकी है, हाँ वो शूट हो गई है, एक 32 बोर फादर पुरिया भाई के साथ आ रहा है, वो तो अभी रिलीज़ हो जाएगा मतलब 2-4 दिन के अंदर ही, और बाकी यूनिवर्सल के साथ हैं अभी काफ़ी ट्रैक्स, इन फ्यूचर बड़ी बड़ी वीडियोस आएंगी। 50 तोड़ा कौन ले लिया था हमने, वो मिलवाई तो थी आपको ओन बंदी ली है, अरे जो लॉन्च पार्टी में थी शायद वही ना। ओके सही चीज। और एलिश भाई क्या आने वाला है नया व्लॉग्स में? व्लॉग्स में क्या आने वाला है, व्लॉग ही आने वाला नहीं मतलब कोई ट्रिप प्लान कर रखी है या कुछ आइटम कुछ नहीं अभी तो भाई, रिप्लाई कब आएगा उसका, रिप्लाई एक रिप्लाई वीडियो आने वाली अभी आ जाएगी, हफ्ते में आ जाएगी। अच्छा उससे पहले शायद एक जगह हमारा सीन सेट हो तो हम श्रीलंका जा रहे हैं, मैं और कटारिया पार्टी करने, ना ना बिजनेस हांडन, ओ माय गॉड हांडन भी पार्टी में आ जाओ, दुबई जा रहे हैं और भगवान ने चाहे एक बार जर्मनी भी आएंगे, जर्मनी में दो काम सीधा ही भाई पर्सनल रिप्लाई देने जा रहे हो जर्मनी के बाप का थोड़ी है वो,
वही मिलेगा जर्मनी गए तो वही मिलेगा जर्मनी में उसे। वही लगे इतनी छो चढ़ गई कि अब वही जाके जवाब दूंगा भाई। गुस्सा तो किसी से नहीं है भाई, दुनिया भर के रोस्ट निकले गुस्सा नहीं आता भाई। जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो ना तो आदमी पीछे वाले सबको माफ कर देता है, मतलब सबके लिए माफी है भाई। और कटारिया भाई आपका पर्सनल गाने आने वाले हैं भाई? गाना तो एक अपने आ रहे हैं, अभी दो तीन ट्रैक आ रहे हैं बढ़िया। मतलब मैं तो खुद तो गाता नहीं एज अ फीमेल कह रहा हूं एज अ फीमेल लीड में जाती हूं मैं, एज अ फीमेल लीड में जा रहा हूं। फीमेल लेते हैं लोग मुझे, लोग मेरे को छेड़ेंगे मैं छिड़ जाऊंगा। सिस्टम में फीमेल है भाई, एज अ फीमेल ले रहा मुझे, समझ गए ना तुम? ठीक है, तो अपना एज अ आर्टिस्ट जाते हैं अपन। दो तीन ट्रैक आ रहे हैं, फिर वही भाई ने बताया ट्रिप आ रही है, बाकी अपना व्लॉग्स वगैरह चल ही रहे हैं। मेन चैनल पे अभी 1 मिलियन हो जाएंगे, पार्टी पूटी कर लेंगे भाई, हमें भी बुला लेना यार पार्टी वार्टी भाई। रैप रैप करना है तो डीजे भाई से कहता रहा हूं मैं, गोवा दो हमारे भी एक दो वर्ष डीजे भाई देना रहे, एक दो वर्ष डीजे भाई ने भरोसा ना इस पे डीजे भाई दे दो कोई नहीं, डीजे भाई कह रहे हैं भाई मैंने इतना स्ट्रगल करके अब जाके कुछ हासिल किया है तो थोड़ा मेंटेन कर लूं। मेरे प्राइस पे इनके बाद अनरिलीज थे सारे, प्रॉपर थार लिख रखा है मेरे ऊपर भाई कि थार तो कटा ले भाई ने कह दी ठीक है यार ना दे रहा। भाई आप बताओ आपका क्या आ रहा है? भाई मेरा अब YouTube पे लगातार वीडियो आती रहेंगे भाई, लगातार YouTube पे फोकस है पूरा। हाँ अब YouTube पे भाई। और ब्याह का दौरान हूँ भाई? किसका भाई? मेरा आपका भाई कहते। चलो गाइज मजा आ गया, हमारे सारे भाइयों के सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में है, अब कहने की जरूरत ही नहीं, आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, जिन अगर नहीं करा बाई चांस तो कर दो, और मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। पॉडकास्ट में मजा आया भाई? ये बताओ भाई, एक नंबर। तुम्हारे भाइयों ने एक छोटा सा कोर्स निकाला है पॉडकास्टिंग का, तो अगर कोई नए लोग अब कंटेंट ब्लॉग लोग क्योंकि सैचुरेट हो रहे हैं नए लोग भाई, बिल्कुल भाई कंटेंट तो सैचुरेशन में पहुंच रहा है, अगर कोई पॉडकास्ट शुरू करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप लोग। डीजे भाई मजा, आपको शांत बैठे हो यार? ना एक नंबर मजा, बंद कर कैमरा चल पल्ले जाते जाते हो जाए, दो लाइनें हो जाए सिस्टम की, दो लाइन हो जाए, चलो हो जाए, 3 2 1 सिस्टम भाई, रैक रैक का सिस्टम यो है भाई, रैक पैसा की घोट दी बैंक भाई, रे जद जते यावे कोकेन 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 भाई, रे पैसा के लारा के पेड़ इन तोड़ के गिर, अर बात बना बात बना बात बना बात बना बात बना, सारा तकान खुजा पैसा में आग लगा आग लगा आग लगा आग लगा आग लगा, सारा न राख बना साले हो जा रोज चार गुना चार गुना चार गुना चार गुना चार गुना, अर पैसा में आग लगा आग लगा आग लगा आग लगा। चलो दोस्तों मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में, और एलिश भाई के नए ब्लॉग, और कटारिया भाई के ब्लॉग में, और डीजी भाई के गाने फिल्म में, और अनूप भाई की नई वीडियो के साथ, सारे भाई मिलेंगे भाई परमेश भाई की फिल्म में। हाँ वो उन्होंने बताया था, वो उन्होंने अपने पॉडकास्ट में भी बताया था, अपना ऐसे फिल्म मिलम करते रहे जनता से। एक चीज और कह दूं, अगर सिस्टम बाय चांस नहीं देखा है तो जाके देख लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और जाके कमेंट कर दो खचा खच कि आप लोग पॉडकास्ट से गए वहाँ। भाई हमारे स्टूडियो में इतने आर्टिस्ट आए, कभी भीड़ नहीं आई, और एलविश भाई के लिए नीचे भीड़ शोर मचा रही है, बुलेट के लोग खड़े थे, पटाखे भटाई भट्टे पटाखे। मुझे तो लगा था हमने ना जुगाड़ करा था कि सिक्योरिटी गार्ड से कि भाई थोड़ी देर के लिए इनको थोड़ा सा भेज दो क्योंकि शूट चल रहा है, लेकिन अभी तक गए, काफी चले गए होंगे, सिक्योरिटी गार्ड को उठा लेंगे भाई। तो चलो भाई यह पॉडकास्ट की बातें खत्म नहीं होंगी, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, टिल देन बाय बाय, लव यू प्यारी जनता, बॉय। नाइस, वेरी नाइस, मजा आ गया इसमें भी कुछ कुछ, क्योंकि अब मैं रेगुलर पूरा देखती रहती हूँ ना, तो फिर मैं पीछे का भूल जाती हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत मज़ेदार लगती है, जो ये अनूप जी के साथ जो हंसी मजाक करते हैं ना, मुझे उसमें भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि बहुत ही एक तो उनकी पर्सनालिटी ऐसी है ना, मतलब बहुत स्वीट से पर्सन है, और अपनी वाइफ से इतना डरते हो, तो मुझे वो देख के जो उनकी टांग खींचते रहते ना, मुझे वो देख के बहुत मज़ा आता है, और इसमें भी मैंने जो देखा मज़ा आया उसमें भी, और सबने अपने अपने बहुत सारे किस्से इसमें बताए, और जो लव ने बताया बाप रे, वो जो समीर का जो वीडियो था उस टाइम पे जो हुआ, मतलब उस टाइम कैसा ही लगा होगा बाप रे, मतलब
अभी तो वो हंस के बता रहा था, यूजुअली सबके साथ ही ऐसा होता, कुछ हमारे साथ ड्रामेटिक कुछ हुआ होता लाइफ में तो, लेकिन जब हम फ्यूचर में किसी को बताते तो हम हंसते हंसते बताते, लेकिन वो जो मोमेंट होता है ना उस मोमेंट में फटी पड़ी रहती है सबकी तो। और ऐसा किसी के साथ हो जाए, मतलब ये सब ना मैंने न्यूज़ में देखा, मैं भगवान कभी ऐसा हो भी ना लाइफ में किसी के साथ, मेरे साथ भी नहीं हो किसी के साथ भी ना हो, लेकिन जिसके साथ होता है वो लोग वही पहचान सकते कि उस टाइम कैसा फील हुआ होगा। और एक लड़की भी थी इनफैक्ट उनके साथ, तो थैंक गॉड कि सब लोग ठीक है, लेकिन हो जाता है यार ये लाइफ में। और एल्विश ने सपने अपने अपने प्लान्स बताए कि क्या क्या प्लान्स है आगे का, तो लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने बोली ना कि हाँ जर्मनी जाना है, तो फिर किसी ने तो पूछा था कि वहीं, हाँ शुभम ने पूछा कि वहीं जाके छो चढ़ गए वहाँ जाके, तो एल्विश ने बोला जर्मनी उसके बाप का थोड़ी है। वो मुझे सबसे बेस्ट लगा, ऑब्वियसली यार उसके बाप का थोड़ी ना जर्मनी, और इसमें भी कोई देख रहा होगा तो फिर बोलते रहेंगे, बोलते रहो कोई बात नहीं। और मेरे को बहुत मज़ा आया पॉडकास्ट में, एंड आई रियली होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगे, और अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, एंड नए हो मेरे चैनल पे देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ कीर्ति चंद, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।